हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि के लिए मैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। दोस्तों, इस वीक में आपको कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लकी कलर नंबर सब बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत तक मैं सारे उपाय बताती जाती हूँ। अपने कुंभ राशि के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मे बी पॉसिबल होगी, चाहते हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से कहिए वो भी इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं कुंभ राशि के लिए ये रीडिंग। आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है कंप्लीशन। पास्ट में आपको ये ऐसा काम चल रहा है आपका, या आप ऐसा कुछ है जो आप पूरा करना चाहते हैं जो पास्ट वीक्स या पास्ट मंथ गए हैं उसमें, बट आपका प्रेजेंट बता रहा है आप वो शायद आपका वो काम पूरा नहीं हो पा रहा, शायद इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और फ्यूचर में बता रहा है क्योंकि आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर सके दोस्तों, तो यू आर बिकमिंग रिबेलियस। आप जो आपको मिल रहा है उससे आप अनेबल टू को ऑप, आपको लग रहा है जो मैं चाहती थी या जो मैं चाहता था वो मेरा काम पूरा नहीं हो सका है, तो आप बहुत इस समय एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। आपके वर्क प्लेस की जो कंडीशंस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि आपको जो भी पिछले दिनों में जो भी काम दिया गया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और वो कंप्लीट नहीं होने के कारण आप फिजिकली तो नहीं मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। इतनी कोशिश करते करते आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, इस कारण से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, क्रिएटिव बनिए, इम्प्रेस द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको इम्प्रेस कीजिए, एनकरेज कीजिए। आप उनको इम्प्रेस करेंगे, एनकरेज करेंगे तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। जो आपका वर्क इनकम्प्लीट रह गया, नहीं हो पा रहा है, यू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स। उस काम में आपको दूसरों की सहायता की ज़रूरत है, तो अपने आप को मेंटली परेशान हरगिज मत कीजिए। आप यहाँ तक कि आपसे जो ऊपर जो आपके बॉस हैं, या आप यदि बिजनेस में हैं तो आपके साथ में जो भी आपके को पार्टनर हैं, या आपके पार्टनर नहीं हैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिबेलियस, इंस्टेड ऑफ बिकम एग्रेसिव होने की बजाय, आप थकने की बजाय आप अपने काम को पूरे करने की कोशिश के लिए यू हैव टू बिकम अ लिटिल पोलाइट। थोड़ा सा नम्रता से काम लीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क ज़्यादा कीजिए, और थोड़ा सा लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ें। आप ये भी कर सकते हैं कि गिव अ ब्रेक, थोड़ा सा काम को ब्रेक दे सकते हैं। जस्ट लाइक आपके ऑफिस में ही आप छोटी सी एक पार्टी कर लें, समोसा चाय पार्टी, तो उससे क्या होगा, एक ब्रेक मिल जाएगा लोगों को, और एक नए उत्साह के साथ सब लोग आपके साथ मिल जाएंगे। कोई मूवी देखने जा सकते हैं या घूमने फिरने जा सकते हैं। मीन्स देर आर सो मेनी इंसेंटिव्स विच यू कैन गिव। आगे टैरो कार्ड्स में क्या है, एडवेंचर। देखिए, मैंने जो आपसे बताया उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कार्ड आपका निकल आया है। यू शुड गो ऑन एडवेंचर पार्टिसिपेशन, आपको इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैट मीन्स मैंने जैसे बताया आपको कि लोगों को इंसेंटिव्स दीजिए, उन अपना टारगेट पूरा करने के लिए उनको इंसेंटिव दीजिए। आपका बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। देखिए दोस्तों, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी वक्त एक कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाइए, एंड आस्क एवरीवन टू फॉलो दैट, आस्क एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंप्लीटिंग द वर्क। काम को कंप्लीट करने के लिए सबको आपको ये सलाह दीजिए कि वो आगे बढ़ें रूल्स के अकॉर्डिंग। जो आपके जो भी काम है उसको
एक सिस्टम से पूरा करने की उनको कोशिश करनी चाहिए। आपको यदि आपने इस तरीके से करा तो आपका वेरी एग्जिस्टेंस बना रहेगा, आपकी आपके काम में पकड़ बनी रहेगी, आपके ऑफिस प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर आपकी जकड़ बनी रहेगी। यदि आप घर में इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो घर पर भी आपका कंट्रोल रहेगा। तो आप यदि चाहते हैं आपका कंट्रोल बना रहे तो कुछ एक नियम से, कुछ एक कानून से, कुछ एक रूल्स रेगुलेशन के तहत किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपका इस बार का लकी नंबर है 4। 4 इज योर लकी नंबर और आपका जो कलर है वो है गोल्डन। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।